टॉप थ्री बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। तो यार आज मैं आपको टॉप थ्री नहीं बताऊंगा, टॉप फाइव स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि गेमिंग के लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं। बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करूं, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है वन प्लस नाइन प्रो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलेगा जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। इसकी कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, डिज़ाइन लुक वगैरह भी आपको अपर देखने को मिल जाती है। प्लस आपको फ्लूड 2 एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अपर होने वाली है। तो भाई अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए या अगर आपको तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए या फिर अगर आप वन प्लस लवर हो, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आपने अगर लॉन्ग टाइम पीरियड रखना है तब भी आपके लिए परफेक्ट डील है। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, उसके बाद भी अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हो, कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हो, आप सभी के लिए भी ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। आप जा सकते हो वन प्लस नाइन प्रो की। भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया वन प्लस नाइन प्रो की, मैं आपको डीपली बता सकता हूँ। मैं आपको डीपली इसीलिए नहीं बता रहा बिकॉज मेरी वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो बाइंग लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने चेकआउट करना है, खुद देखना चाहते हो तो आप देख लेना। स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो स्पेसिफिकेशन भी पढ़ लेना। तो आगे बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करूं, नंबर फोर पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S21 को। तो सबसे पहले यार ये स्मार्टफोन भी आपको 5G देखने को मिल जाता है, 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 4 कलर्स में देखने को मिलता है। अगर इसकी मैं प्राइस रेंज की बात करूं, आपको 68,999 के बजट रेंज में सैमसंग गैलेक्सी S21 देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डायनमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के ऊपर कोई भी ग्लास आपको नहीं देखने को मिलता। तो भाई इसकी डिस्प्ले क्वालिटी सच में बहुत तगड़ी होने वाली है। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो या फिर अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आप सभी के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट हो सकता है। प्लस आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो एंड 4K वीडियो भी शूट कर सकते हो। आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, 25W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी S21 के। तो भाई अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है एंड आपको तगड़ा स्मार्टफोन भी चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी S21 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस इसका जो प्राइवेसी सिस्टम है वो बहुत आपको अपर मिल जाता है। प्लस IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है। वाटरप्रूफ स्मार्टफोन, अगर पानी में गिर भी जाता है ये स्मार्टफोन ख़राब नहीं होने वाला, आप नॉर्मली इजीली यूज़ कर सकते हो, जैसे भी यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसका भी बाइंग लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने खुद चेकआउट करना है आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूं, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है असूस रॉग फोन 5 अल्टीमेट को। तो यार अगर आपका बजट 80,000 के बजट रेंज में आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है या हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। बिकॉज आपको एयर ट्रिगर देखने को मिल जाता है, कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है, डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिस पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपने अपना नाम वगैरह भी लिखना है बैक साइड में, आप डिस्प्ले पे वो भी लिख सकते हो। आपको 18GB रैम मिल जाती है, मतलब आपको 18GB रैम देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। प्लस आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। प्लस अगर आपने 8K में वीडियो शूट करना है आप इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन वगैरह बहुत तगड़े हैं, प्लस इसके फीचर्स वगैरह बहुत अपर देखने को मिल जाते हैं। मैं सभी तो आपको डीपली नहीं बताने वाला, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, सो दैट्स वाई मैं आपको डीपली नहीं बता रहा। तो भाई अगर आपने खुद भी चेकआउट करना है आप यूट्यूब पर सर्च आउट कर सकते हो, ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो, जब मैंने जो लिंक दिया है आपको प्रोवाइड किया हुआ है आप वहाँ पर से भी चेकआउट कर सकते हो। स्मार्टफोन पूरा आपको ओके रिपोर्ट मिल जाता है। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करना है या हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है बिकॉज ये गेमिंग ही स्मार्टफोन है, ठीक है। तो अगर आपका 80,000 बजट है तो आप जा सकते हो असूस रॉग फोन 5 अल्टीमेट की ओर।
अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। तो यार नंबर टू एंड नंबर वन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया बिकॉज दोनों स्मार्टफोन जो मैंने रखे हैं वो एप्पल की ओर से आते हैं। मैं बात करूँ आईफोन 11 प्रो की, मैं बात करूँ आईफोन 12 की एंड मैं बात करूँ आईफोन 12 मिनी की। आप इन तीनों स्मार्टफोन्स की और किसी स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, लेकिन जो आईफोन 11 प्रो है उसमें आपको A32 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बट जो आईफोन 12 है या आईफोन 12 मिनी है उसका जो प्रोसेसर है वो A40 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। उनका प्रोसेसर ज़्यादा तगड़ा है, तो आप देख लेना अगर आपने आईफोन 11 प्रो की ओर जाना है भैया आप उसकी ओर जा सकते हो, अगर आपने आईफोन 12 की ओर जाना है या आईफोन 12 मिनी की ओर जाना है आप उस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अगर आपका बजट 80,000 है, आप एप्पल लवर हो, तो आप इन तीनों फ़ोन की ओर नॉर्मली इजीली जा सकते हो। प्लस भैया अगर आपको एक स्लिम स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए ये तीनों परफेक्ट डील आपके लिए हो सकते हैं। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए एप्पल्स के भी, तो भाई मैं आपको डीपली नहीं बताया बिकॉज मैंने आपको पहले भी कई बार रिपीट कर दिया, मैं बार बार एक ही चीज़ आपको रिपीट नहीं करने वाला। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बता दिया जो कि आपको 80,000 के बजट रेंज में गेमिंग के लिए कैमरे के अकॉर्डिंग स्टाइलिश स्लिम में स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए या अगर आपको पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, आप सभी के लिए मैंने जो है स्मार्टफोन बता दिया। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको जरूर कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।